ये देखें जनाब, चील बैठी हुई है। कितनी बड़ी, क्या बात है। लगता है कोई चीज़ लेके आई है खाने के लिए। यहाँ पे बैठकर खा रही है अकेले अकेले। इसको हम अपनी जुबान में चील कहते हैं, हील मतलब। ये देखें कितना सुकून से धूप में जो है एक कोने में छत के बैठकर कोई चीज़ लेकर आई है। किसी चीज़ का गोश्त ये शौक से खाती है, जो गोश्त हो जानवर का या किसी परिंदे का कोई भी, ये उस गोश्त को शौक से खाती है। यहाँ पे ये अक्सर आती है इस कोने पे, शिकार हो या ना हो, जब धूप निकली हो तब ये इधर आकर बैठ जाती है। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है इसलिए धूप को एंजॉय करने के लिए ये इधर आती है और अपनी मर्जी से फिर उड़ जाती है। ये देखें जनाब, अब ये उड़कर दूसरी साइड पर आ गई। ये देखें इसको, जगह चेंज करती रहती है ये अपने। बहुत ही प्यारी, ब्लैक, ब्यूटीफुल। और कब्बे इसके पास आ गए हैं तंग करने के लिए। ये देखें कौवा, कौवा बहुत शैतान होता है, तंग करने के लिए आया है इसको। क्या बात है, बहुत शौक से कौवे इसके घूम रहे हैं इसको तंग करने के लिए। कौवे बहुत शैतान होते हैं और वो इसको सुकून। और ये अब उड़ गई दूसरे शिकार की तलाश में। ये देखें इस वक्त दो जो है वो चील गोश्त लेकर आई हैं और एक कोने में बैठी हुई हैं। एक उड़ गई है और दूसरी जो है इस वक्त बैठी हुई है। वो शिकार जो है ये करती हैं और दूसरी उड़ गई।